वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आप सभी को शायद पता नहीं होगा, यहाँ पे एक इमर्जिंग ब्रांड आ रहा है, मतलब इंडिया में ऑलरेडी मतलब स्टैब्लिश हो रहा है धीरे धीरे करके, और उसी की तरफ से यहाँ पे आज मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन एंड ऑल, मतलब बहुत ही तगड़ी वॉच है कह सकते हो आप यहाँ पे, और सारे के सारे फीचर। और सबसे अच्छी बात है, जिनको एज टू एज डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए, मतलब एकदम प्रॉपर एज टू एज डिस्प्ले वाली वॉच, मतलब प्रॉपरली जो बेजल्स हो एकदम थिन हो, तो उनके लिए बहुत ही बेटर वॉच होने वाली है। यहाँ पे अगर बात करूँ डायलफिट प्रो मैक्स, यस गाइस, इसमें ट्रू 1.91 इंचेस की UHD डिस्प्ले मिलेगी आपको, 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगी, और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, और नंबर की तरफ से आती है। यस गाइस, आपने सुना नंबर एक कंपनी है, और प्रॉपरली यहाँ पे ये एस्टैब्लिश हो रही है धीरे धीरे, और इंडिया में तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो करेगी। और यहाँ पे बॉक्स पैकेजिंग आप देख सकते हो इस तरीके की मिलती है। वैसे इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए अगर आप चैनल पे आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। उसी के साथ साथ अगर इस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, टेकपोक कूपन कोड यूज करो, आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। यस, 15% का फ्लैट डिस्काउंट। और ये वॉच किस प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है आपको, और कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा इस वॉच पे, वो मैं आपको डिस्काउंट अभी बताता हूँ। डिस्काउंट जो मिलेगा आप टेकपोक यूज करोगे तो आपको करीब करीब 500 रुपए से ऊपर का डिस्काउंट मिल जाएगा। यस गाइस, आपने सही सुना, 500 रुपए से ऊपर का डिस्काउंट मिल जाएगा टेकपोक कूपन कोड यूज करके। बट इसकी प्राइसिंग और कंक्लूजन सारा की सारी बातें होंगी, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे इस तरीके की बॉक्स की पैकिंग मिल जाती है, और बॉक्स की पैकिंग बहुत ही तगड़ी दी गई है, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। सारे के सारे फीचर वैसे लिखे गए हैं, 11 मैनी स्टाइल मिलते हैं इसमें, और बेड साइड लैंप की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो चार्जिंग के टाइम, और उसी के साथ साथ 500 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं, और 7 डेज का बैटरी लाइफ है, ब्लूटूथ कॉल मतलब ऑफ करके ऑब्वियस सी बात है, और 3 डेज का यहाँ पे कॉलिंग पे बोला गया, बट यहाँ पे आपकी नॉर्मली 1 से 1.5 दिन चल जाती है, ठीक है। और NFC एक्सेस कंट्रोल है, यस, इसमें ट्रू NFC मिलेगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यस, जो डोर सोर्स होते हैं, स्मार्ट डोर्स होते हैं, वो अनलॉक हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ GPS मूवमेंट ट्रैकर, GPS ट्रैकिंग, मोबाइल GPS ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ये वॉच में GPS नहीं है, मतलब आपको इन-ऐप GPS का सपोर्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। टाइम अलार्म, ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती है, फ्लैश लाइट, लेट्स लाइट, सब कुछ चीज़ें। तो बिना किसी देरी के इसको ओपन करते हैं। ये रिव्यू यूनिट है, और रिटेल यूनिट आपको अलग मिलेगा, अलग तरीके से पैकिंग होगी उसकी, मतलब सील्स होंगी, इसमें सील्स नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो गाइज पैकिंग कह सकते हो बहुत ही तगड़ी है फर्स्ट ग्लैंस में, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी कुछ भी पैकिंग कर दी है, बट यहाँ पे पैकिंग बहुत तगड़ी की गई है। और यहाँ पे आपको चार्ज योर वॉच फॉर फर्स्ट टाइम 3 आवर्स तक आपको चार्ज करनी है, और जिससे कि मतलब प्रॉपरली बिगेस्ट डिस्प्ले इनसाइड, यस गाइज, बेस्ट और नथिंग नंबर, यस। और ओपन करते हैं गाइज, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ओपन करना। ओके, हीरा, तो गाइस सबसे पहले आपको मिल जाता है ग्रीटिंग, यहाँ पे वारंटी क्लेम करने के लिए, यहाँ पे इसको QR कोड को स्कैन करके आपने जब भी इसको बाय किया है तो डेट पे डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है, और आपको मिल जाएगी 6 मंथ्स की ट्रू वारंटी। यस गाइस, ट्रू वारंटी मिलेगी आपको 6 मंथ्स की इस प्रोडक्ट के साथ। और बॉक्स पैकिंग देख सकते हो इस तरीके की मिलती है, कमाल की मिल रही है। और यहाँ पे हम वॉच को निकाल लेते हैं, ग्रीन एक्सेंट में एक कह सकते हो आर्मी टाइप का फील आ रहा है इस वॉच को देखने में, यहाँ पे इस तरीके से। स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है, मतलब सॉफ्ट सिलिकन ये है, मतलब TPU नहीं है, सॉफ्ट सिलिकन है, और यहाँ पे नंबर की ब्रांडिंग मिल जाती है इस तरीके से। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये मेटल का बकल मिल जाता है, ठीक है, और इसको रखते हैं साइड में थोड़ा सा। यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग, यस गाइस, आपने सही सुना, वायरलेस चार्जिंग के साथ ही वॉच आती है, यहाँ पे भी नंबर की ब्रांडिंग मिल जाती है, और वायर की क्वालिटी कह सकते हो अच्छी है। यस गाइस, ऐसा नहीं है मतलब वायर की क्वालिटी अच्छी नहीं, यहाँ पे वायर की क्वालिटी अच्छी है। अगर मैं कंपेयर करूँ अभी पेबल की जो एक वॉच मैंने मंगाई थी, पेबल की कॉस्मोस प्रो करके कुछ नाम था, तो उससे काफ़ी बेटर है मतलब केबल की क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड भी मिल जाती है आपको, तो प्रॉपर यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, सारी की सारी चीज़ें, कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो सब चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। वैसे मैं आपको बता दूंगा वीयर प्रो एप्लीकेशन वैसे आपको इंस्टॉल करनी है। और गाइज यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कर ली हमने, चेक कर ली है। अब गाइज एक काम करते हैं, सारी सारी चीज़ें रखते हैं साइड में और वॉच पे आते हैं इटसेल्फ। तो गाइज ये रही हमारी वॉच इटसेल्फ, और यहाँ पे हम इसको पील ऑफ करते हैं, और गाइज फर्स्ट ग्लैंस से बहुत ही कमाल की लग रही है। स्टेनलेस स्टील का आपको डायल मिलता है, नंबर की ब्रांडिंग मिल जाती है, 22mm स्ट्रैप साइज है, और डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है, SP8O4 मॉनिटर का सेंसर मिल जाता है यहाँ पे। और अभी हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे number.com लिखा हुआ है, लाइफ रन्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, यस गाइज। और यहाँ पे भी नंबर की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये रिमूवेबल स्ट्रैप्स हैं, आप आफ्टर मार्केट के यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से। और स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है, ये गाइज आपके लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है, और डेफिनेटली लार्ज है जिसके रिस्ट, और मीडियम है उस पर, बहुत ही अच्छी लगेगी वॉच, देख सकते हो। थोड़ा बॉक्सी डिजाइन मिलता है, बट अगेन गाइज ये थोड़ा सा यूनिक डिजाइन है, और थोड़ा सा यूनिक लुक भी मिलता है आपको इसका, ठीक है। तो इसको ऑन करते हैं, फर्स्ट ग्लैंस लेते हैं इसका, तो यहाँ पे होल्ड करके रखना है आपको इसको, और यहाँ पे नंबर की ब्रांडिंग आ गई, तो एस्टैब्लिश 2013 लिखा था यहाँ पे, और जो प्राइसिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रही इसकी प्राइसिंग,
11,999 rupees. बट गाइज ये वॉच आपको मिल जाती है और कम प्राइस में, यस 3699 रुपये मिल जाती है. और गाइज अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो टेकपोक तो आपको ये वॉच पड़ जाएगी करीब करीब 3150 रुपये की, 3144 की पड़ेगी. मतलब 555 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, 15% का फ्लैट डिस्काउंट है. टेकपोक कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा. यहाँ पे इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है यहाँ पे, और 30 सेकंड तक का मतलब मिल जाती है. और गाइज यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी देखो, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, उसके बावजूद भी डिस्प्ले क्वालिटी इसकी अच्छी है. एच टू डिस्प्ले मिल जाती है आपको इसकी. अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताऊँ, कोई भी वॉच आप लेते हो तो एच टू डिस्प्ले चेक करने के लिए एक फंक्शन आपको करना चाहिए, वो है आपका ये वाला. यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एच टू एच डिस्प्ले कितनी मिलती है आपको. तो यहाँ पे कमाल की मिलती है एच टू एच डिस्प्ले मिलती है इस तरीके से, और अच्छा खासा यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स भी मिलते हैं. ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बट यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स अच्छे मिलते हैं इसमें, ठीक है. और साइड बीम एंगल भी अच्छे मिल जाते हैं इसके. तो इस तरीके से मैंने अपनी पी को एज अ वॉच फेस लगा रखा है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. और यहाँ पे क्राउन वर्किंग है, यस गाइस आपने सही सुना. और गाइस यहाँ पे लाइफ लाइक वॉलपेपर लगते हैं, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से. और साइड बीम एंगल इसके अच्छे मिलते हैं आपको, मैंने अभी आपको बताया वैसे भी. और साइड में आप अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना. तो साइड व्यू एंगल भी इसके अच्छे खासे मिल जाते हैं, और एच टू डिस्प्ले मिलती है. तो हर एक पर्सन आपसे पूछने वाला ही है कि मतलब ये कौन सी वॉच आपने पहन रखी है, ठीक है. और उसी के साथ साथ सारे के सारे फीचर्स को चेक करते हैं. बट गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो. मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोज़ को बनाने में. ऊपर की साइड से आपको इस तरीके का मेन्यू मिल जाता है, और यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है. पहले तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है. और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये सब वाटर लॉगआउट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है. और यहाँ पे आपको टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे SOS इमरजेंसी, और यहाँ पे ये रहा, ठीक है. और ये अच्छी बात है, मेक इन इंडिया ब्रांड मिलता है. आपको, राइट. तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है. और यहाँ पे नंबर की ब्रांडिंग मिल जाती है ऊपर की साइड भी. और गाइज यहाँ पे दूसरा बटन नहीं है कोई भी. और यहाँ पे मैं आपको फिजिकल ओवरव्यू देना भूल गया एक्चुअली. ये माइक का वेंट है, ये रहा स्पीकर का वेंट, ठीक है. IP68 रेटेड है, तो ये ओपन स्विमिंग में नहीं ले जा सकते आप. मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कॉलिंग वॉचेस में अगर जिसमें इतना बड़ा वेंट होता है तो मैं रिकमेंड नहीं करता वैसे भी. बट एक काम है कि मतलब इसको अगर आप बजा के रखते हो तो हैवी रेनिंग में भी चल जाएगी, क्योंकि मैंने यूज़ करी हुई है. जो कॉलिंग वॉचेस हैं हैवी रेनिंग में चल जाती हैं, बट अगेन इससे आप बचा के रखना, यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए. कोई सी वॉच खराब हो सकती है वैसे तो, ऐसा अगर आप पानी में जाने दोगे पूरा ये भीग जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है. और लेफ्ट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में आपको इस तरीके से ये मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, और राइट साइड में शॉर्टकट्स मिल जाते हैं इस तरीके से, और आप ऐड भी कर सकते हो इस तरीके से जॉन से आपको रखने, ठीक है. म्यूजिक प्लेबैक भी मिलता है इन द वॉच इटसेल्फ, बट यहाँ पे सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है. नीचे की साइड से आपको पूरा का पूरा मेन्यू मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है. अब इसमें 11 मेन्यूज मिल जाते हैं, मतलब 11 मेन्यू मिलते हैं इसमें आपको, 11 तरीके के ये वाले. ये चेंज भी कर सकते हो डबल टैप करके मेरे ख्याल से, ये रहा देखो इस तरीके से, और लैग नहीं करती यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाता है. और फिर डबल टैप करते हो एक और मेन्यू मिल जाता है इस तरीके से, ग्रिड वाला टाइप का, ठीक है. और यहाँ पे ये रोटेटेबल मिल जाता है, और यहाँ पे ये वाला मिल जाता है टाइप का, और यहाँ पे ये वाला मिल जाता है, ठीक है. ये तो मेरे ख्याल से फिट शॉट की क्रिस्टल में मिलता है आपको, और ये वाला मिल जाता है, और यहाँ पे ये वाला भी मिल जाता है सी वाला टाइप का, उल्टा सी, और ये इस तरीके से मिल जाता है. और गाइस ये वाला भी मिल जाता है, मतलब आपको इसमें ऑब्वियसली बात है 11 मेन्यूज मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. लिस्ट वाला मिल जाता है, दैट्स इट. तो इसी पे रखते हैं हम, थोड़ी आसानी होगी चेक करने में. और सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे सेटिंग चेक कर लेते हैं. तो सेटिंग कहाँ गया, सेटिंग ये रहा. सेटिंग में लैंग्वेज सेटिंग मिल जाता है, इंग्लिश से लेके सारी मिल जाती है, बट हिंदी सपोर्ट नहीं करता. और डायल स्विच यहाँ पे इतने सारे डायल मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 7 मिलते हैं. तो ये अच्छी बात है. देखो मैंने अपनी पिक लगा रखी है, कितनी कमाल की लग रही है, मतलब एच टू एच डिस्प्ले लग रही है इसकी पूरी की पूरी, ठीक है. तो ये हाथ में बहुत तगड़ी लगती है वॉच उस हिसाब से, मतलब अगर आप देखो तो डिस्प्ले क्वालिटी तो काफ़ी बेटर है इसकी. और मेरे ख्याल से इसकी जो पीक ब्राइटनेस है 500 nits की लग रही है मेरे को, देख सकते हो यहाँ पे. और पिक्सल साइज भी अच्छा है, बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं हो रही है पिक, ठीक है. अब गाइस एक काम करते हैं, कहाँ पे हम थे, सेटिंग में, ठीक है. तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन, मैक्सिमम 30 सेकंड तक आप वेक रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता है यहाँ पे आपको, बट अगेन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहेगी तो बैटरी ज़्यादा खाएगी आपकी, ऑब्वियसली बात है. बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, बट इसकी जो डिस्प्ले है IPS LCD डिस्प्ले मिलती है आपको, ठीक है. और वाइब्रेशन आप यहाँ पे लेवल 1 इस तरीके से चूज कर सकते हो, और यहाँ पे साउंड स्विच कर सकते हो, मतलब मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, बेल या म्यूट पे रखना है आपको, ठीक है. उसी के साथ साथ पावर सेवर मोड मिल जाता है, मोड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, स्मार्ट मोड वॉच मोड पे रखना है. पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख सकते हो. सपोज मैं ये वाला रखता हूँ, 14 ये वाला 1470, ठीक है. सेव कर देना पासवर्ड, अगर इसमें इशू होगा पासवर्ड, मतलब अगर आप भूल जाते तो उसके लिए भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा. फिलहाल आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू पे, ठीक है. तो यहाँ पे पासवर्ड सेट हो चुका है, देखो
अब पासवर्ड मांगेगा, उसके बिना अनलॉक नहीं होगी। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, ओपन हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और सेटिंग में मेरे ख्याल से बस पासवर्ड के बाद फैक्ट्री रीसेट है, दैट्स इट। अब गाइस यहाँ पे सारी सारी चीज़ें चेक करते हैं, नीचे की साइड से ऊपर को स्वाइप करते ही सबसे ऊपर चलते हैं यहाँ पे। और गाइस NFC जो देख रहे हो ना, इसमें वर्किंग है प्रॉपर्ली, ठीक है, ये अच्छी बात है। फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, अभी हम कनेक्ट करेंगे, तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरीके से आपको मिल जाता है, और हिंदी फॉन्ट इस तरीके से सपोर्ट करता है, हिंदी फॉन्ट्स अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं करता मैं कहूँगा, यहाँ पे इंग्लिश फॉन्ट्स अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। सारे के सारे नोटिफिकेशन आते हैं, कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सिंक कर सकते हो, अभी चेक करेंगे कितने कॉन्टैक्ट सिंक कर सकते हो। कॉल रिकॉर्ड्स में जाता है, फिटनेस डाटा यहाँ पे शो करता है जो आपने परफॉर्म किया है। स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, रोप है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, इलेप्टिकल है, और हाइकिंग है, बेसबॉल है, रग्बी है, हॉकी है, जंपिंग है। तो यहाँ पे 20 तक स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं बेसिकली, आप समझ सकते हो। तो एक बार वॉकिंग चेक करते हैं, 50 स्टेप्स चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कितने स्टेप्स इसने काउंट किए हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी का पता चल जाएगा यहाँ पे, एक्यूरेसी कैसी मिलती है आपको। तो गाइस ये रही, ठीक है गाइस, मैं हैरान हूँ, मतलब 50 स्टेप्स मैंने चले और 51 दिखा रहा है इसमें। एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है, डेफिनेटली कह सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से डेफिनेटली नंबर में कुछ बात तो है। आगे बात करते हैं यहाँ पे हार्ट रेट की, तो हार्ट रेट उड़ तो एयर चेक करते हैं एक बार, प्लीज़ वेयर रेट करेक्टली बता रहे हैं, फिर से चेक करते हैं, तो यही बता रहे हैं। उड़ द सरफेस कर लेते हैं एक बार, प्लीज़ वेयर रेट करेक्टली बता रहे हैं, ओके अच्छी बात है। बीपी मॉनिटर मिल जाता है इसमें आपको, बीपी मॉनिटर मैं सही नहीं मानता, मैं आपसे खुद ही कहता हूँ, हार्ट रेट को आप सही मान सकते हो वैसे, ठीक है, वॉचेस में एक्चुअली काम करती हैं। अभी हम ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे NFC मिल जाता है, NFC प्लीज़ यूज़ दिस फंक्शन इन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अभी चेक करेंगे। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, अभी हम यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले करके देखेंगे। स्लीप मॉनिटर, 4 घंटे से ऊपर स्लीप करना था आपको शो करेगा। स्टॉप वॉच मिल जाता है यहाँ पे आपको, वेदर अपडेट्स यहाँ पे शो करेगा, अभी हम चेक करेंगे। और QR कोड यहाँ पे ऐप को पेयर करने के लिए, मतलब GPS मोशन ट्रेजेक्टरी यहाँ पे शो करता है, मतलब इन ऐप GPS यूज़ होता है बेसिकली यहाँ पे। टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, अभी हम चेक करेंगे। अलार्म क्लॉक यहाँ पे इन द वॉच इटसेल्फ आप लगा सकते हो, यस गाइस आपने सही सुना, यहाँ पे लगा सकते हो इस तरीके से चूज करके, ये बहुत अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ फ्लैशलाइट मिल जाता है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो अच्छा परफॉर्म कर रही है बेसिकली ये। कैलकुलेटर यहाँ पे मिल जाता है, यस, और फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाता है, अभी हम चेक करेंगे सारी चीज़ें। वेदर का ऑप्शन मिलता है, ब्रीथ ट्रेनिंग मिल जाता है इसमें आपको, और मैसेजर मिल जाता है, मतलब मैसेजर वही, मतलब वो जो आपके नोटिफिकेशन एक्सेस है वो। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, और मेन्यू स्टाइल, यहाँ पे मेन्यू स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 11 स्टाइल मिल जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अब तो हमने सारी सारी चीज़ चेक कर ली है ना। अब हम चेक करते हैं कॉल क्वालिटी और साथ में एप्लीकेशन को चेक करते हैं। तो वीयर प्रो एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेनी है, और लोकेशन सर्विसेज और ब्लूटूथ आपको ऑन कर लेना है, ठीक है, देन ओनली काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। GPS बोल रहे करने के लिए ऑन, ठीक है, और ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगी आपकी वॉच। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे वन सेकेंड, ये देखो नंबर DFPM करके आ रहा है, कॉलिंग नहीं लगेगी अभी आपकी, ठीक है। तो कॉलिंग वाला आपको फीचर अगर ऑन करना है तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे ओपन करना है, वन सेकेंड यहाँ पे जाना है, ओके कनेक्टेड है एक्चुअली, मैं बार बार वो कर रहा था, तो कनेक्टेड है कॉलिंग वाला फीचर आपका। अब गाइज चेक करते हैं यहाँ पे ऑडियो प्रोफाइल है इसकी कि नहीं है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ में चलते हैं। ब्लूटूथ में चलने के बाद यहाँ पे आपको ये देखो ये आ चुका है नंबर DFM1 करके, और यहाँ पे मीडिया ऑडियो है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉन्ग सुनते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले YouTube पे चलते हैं, और YouTube पे चल के सॉन्ग सुन के देखते हैं यहाँ पे। लाउडनेस अच्छी है गाइस, क्लैरिटी भी ठीक लग रही है, आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में क्लैरिटी कैसी लग रही है। मेन्यू पे चलते हैं, यहाँ पे म्यूजिक प्ले पे चलते हैं, ओके ये रहा। वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन नहीं है बेसिकली, वॉल्यूम फुली है देख सकते हो, बट ऑडियो प्रोफाइल ऑफ करते हैं एक बार, चेक करते हैं कॉल लगेगी क्या। अभी तो कॉल लगेगी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सपोज मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉल लग रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लाउड मिलती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, साथ में हम एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीडिया ऑडियो ऑफ कर देता हूँ मैं, कॉल लगी पड़ी है, ठीक है, और उसके बावजूद भी कॉल हम लगाते हैं, मीडिया प्रोफाइल ऑफ है,
कॉल लग रही है, तो गाइस यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग है, ठीक है, ये फीचर आपका। अब गाइस वॉइस असिस्टेंट भी चेक कर लेते हैं, साथ साथ के साथ सही रहेगा। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट कहाँ गया, ये रहा। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? It's 22 with haze. प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मैंने मीडिया ऑडियो ऑन करी, उसके बाद दिखा रहा हूँ मैं आपको वेदर वाला ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो ये वेदर वाला ऑप्शन आपके फोन में काम करेगा, मीडिया ऑडियो ऑफ रहेगी आपकी। तो अब एप्लीकेशन पे चलते हैं, सीधे एप्लीकेशन भी इस तरीके से मिल जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले वॉच फेस मिल जाते हैं, वॉच फेस यहाँ पे आपको टन सौ मिल जाते हैं, क्योंकि 500 बोलेंगे तो यहाँ पे आप लगा सकते हो बहुत सारे, ये देख सकते हो आपको मिल जाते हैं। ये रे मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है गाइस, यहाँ पे लोड होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है एक्चुअली, मेरा नेट थोड़ा स्लो है गाइस एक्चुअली, ठीक है। लाइव वॉच फेस भी देखने को मिल जाएगा इसमें आपको, और ये वाले मिल जाएंगे आपको, इसे भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी पिको एज अ वॉच फेस लगाया रखा, अपनी पिको वॉच फेस लगाना है तो ऊपर के तीन वॉच फेस आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे पेन सा बना हुआ है मार्क ऐसा, तो इस पर आप टैप करके यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको अपनी पिक को चूज़ कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और आपकी ये अपनी पिक लग जाएगी, और वॉच फेस चेक कर लिए, फाइंड वॉच का ऑप्शन, वॉच वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा शटर इस तरीके से काम करता है, पिक खिंच जाती है, ठीक है। और टिल्ट टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से काम करता है। SMS नोटिफिकेशन, NFC, ये देखो NFC यहाँ पे सेटअप करना है आपको, ईमेल या बिजनेस कार्ड आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और ईमेल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन सारे के सारे मैंने अलाउ कर रखे हैं, और मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन एक्सेस आपको अलाउ कर देने, और माई QR कोड ये आप इसमें रख सकते हो, WeChat, Alipay और QQ अदर टाइप्स आपको रखना है तो यहाँ से आप रख सकते हो। इवन आप उसका भी रख सकते हो, WhatsApp का भी रख सकते हो चाहो तो मतलब। और यहाँ पे ब्लूटूथ कॉल ये देखो कनेक्टेड है ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। और हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, आपको ऑन रखना है हार्ट रेट मॉनिटरिंग तो ये भी आप कर सकते हो। और वैसे मतलब हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑल टाइम तक ऑन रहेगा तो बैटरी ज़्यादा खाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर ऑल टाइम तक ऑन नहीं रखते हो तो सही रहेगा। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 20 आफ्टर सेटिंग रिमाइंडर टू कॉल सिंक विद द, यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पर करना है आपको। ऐड कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देने और वॉच में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस मैंने कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब बैक करते हैं, उसके साथ यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है, मोर में आप जाते हो तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है यहाँ पे। और अलार्म क्लॉक यहाँ पे आप लगा सकते हो, अलार्म जैसे कि सपोज मैं लगा के देखता हूँ एक बार, 4:00 मेरे ख्याल से वाइब्रेट करेगी वॉच, 4:43 देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वॉच फेस के नीचे को आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, देखो वेडनेसडे 14/16/42, तो यहाँ पे 43 का लगाते हैं, जल्दी करते हैं नहीं तो बच जाएगा, 43/16, ठीक है लगा दिया मैंने, अभी बजेगा। वाटर रिमाइंडर मिल जाता है, सैनिटरी रिमाइंडर, और यहाँ पे ये सब चीज़ मिल जाती है। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स के बाद यहाँ पे वाइब्रेट हो रही है वॉच, देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फर्मवेयर वर्जन मिल जाता है, और दैट्स इट, यहाँ पे अनबाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हो डाटा सिंक्रोनाइज हो जाता है, यहाँ पे स्लीप है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है। स्पोर्ट्स मोड में रनिंग आप करते हो तो देखो GPS यूज होता है आपकी वॉच का, मतलब आपके फोन का, वॉच का नहीं, देख सकते हो, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे ये सारी एप्लीकेशन में मतलब यूजेस मिल जाती है आपको, और यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर सकते हो डाटा को। अब कैसे काम करते हैं, ओल्ड द हैंड्स पहनते हैं और एक्यूरेसी ऑक्सीमीटर के साथ एक बार टेस्ट कर लेते हैं हार्ट रेट SpO2 की। तो गैस हाथ में बहुत ही कमाल की लग रही है गैस, ये लास्ट टू मीडियम डिस्प्ले परफेक्ट है जैसे मैंने आपको बताया। और ऑक्सीमीटर में हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे 96 दिखा रहा है SpO2, और हार्ट रेट 83 दिखा रहा है, 83-84, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 90 तक जा चुका है, और यहाँ पे 85 दिखा रहा है, 86 ओके, 86 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 86 दिखा रहा है, इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। तो कह सकते हो क्लोज टू एक्यूरेट यहाँ पे शो कर रहा है हार्ट रेट, मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब मैक्सिमम वॉचेस में ठीक होती है। ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 96 दिखा रहा है, बट ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मैं सही नहीं मानता, मतलब बजट ब्रैकेट में कोई भी वॉचेस 5000 से नीचे आपकी कोई वॉचेज में अच्छे नहीं होते, अच्छा नहीं काम करते हैं। हाँ बट ये कि आपके में एज अ रेफरेंस के लिए आप ले सकते हो, बट एक्चुअल आप रीडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइस वैसे 3699 में मैं कह सकता हूँ कि ठीक वॉच है, आप ग्रैब कर सकते हो, और कूपन कोड से और सस्ती पड़ जाएगी, ये पड़ जाएगी आपको ₹3150 के करीब करीब, ठीक है। टेकपो कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, लिंक दे रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप खुद भी जा सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और
वॉच अच्छी है, फीचर से रिच आती है, बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि मतलब इसमें जो डिस्प्ले है एज टू एज मिलती है। अगर आपको एज टू एज डिस्प्ले और लुक वाइज प्रीमियम वॉच चाहिए तो इस वॉच के लिए जा सकते हो। और साथ में ये क्राउन का सीन जो है वो कमाल का लगता है, इसमें क्राउन वर्किंग है तो ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये अनबॉक्सिंग है रिव्यू, आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वॉच का किसी और वॉच के साथ कंपैरिजन चाहिए तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड गाइज एक चीज़ तो हम भूल ही गए थे यहाँ पे, ये देख सकते हो वायरलेस चार्जिंग जो है इसका, ये नंबर वाला है जो प्लेट नीचे को रखना है और ऊपर की साइड आपका ये रहेगा। और यहाँ पे सपोज इस वॉच को हम रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से और ये वायरलेस चार्जिंग वो स्टार्ट हो जाती है, देख सकते हो एज अ नाइट लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वायरलेसली चार्ज हो जाती है वॉच और करीब करीब 2.5 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में इस वॉच को।